अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको मेरे चैनल होम फूड डायरीज़ पर आप लोग सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। आज बहुत बेसिक चीज़ आपको बताना सिखा रही हूँ। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि उनका लहसुन अदरक का पेस्ट ख़राब हो जाता है, रंग ख़राब हो जाता है, जायका ख़राब हो जाता है और वो स्टे नहीं करता, तो उन सब की मुश्किलात का हल आज हमारी वीडियो में मौजूद है। तो मैं आज आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके साथ जो है ग्रीन चिली भी होंगी, तो उनके साथ ग्रीन चिलीज़ का भी पेस्ट बनाना बता रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा हैंडी है और ये जो है आप इसको 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, और इसका बिल्कुल जायका, टेस्ट, कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, और वर्किंग वुमेंस के लिए तो ये बिल्कुल आइडियल है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, तो चलें शुरू करते हैं जी। तो यहाँ हमने 1 पाव लहसुन लिया है, 1 पाव हमने अदरक ली है, आप रेशो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ जो है हमारे पास 12-15 तकरीबन ग्रीन चिलीज़ हैं, हरी मिर्चें हैं, और इसके अलावा जो हम इसमें स्पाइसेस यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून हम नमक यूज़ करेंगे, 1/2 टेबलस्पून हम इसमें जी जो इसमें स्पाइसेस डालेंगे वहाँ हमारे पास 1 टेबलस्पून नमक है, और 1/2 टेबलस्पून हम यहाँ हल्दी इस्तेमाल करेंगे, और 1 to 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह 1 to 2 टेबलस्पून हम यहाँ विनेगर यानी सिरका इस्तेमाल करेंगे। और इन सब चीज़ों को हम जग में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे 1 कप पानी डालकर। तो चले मैं आपको अभी ब्लेंड करना बताती हूँ जी। तो ये सब चीज़ें हमने ब्लेंडर में डाल दी हैं, ब्लेंडर जग में, और अब हम थोड़ा सा पानी भी हमने ऐड किया है 1 कप। अब हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, और इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। अब मैं आपको ब्लेंड करके इसकी फाइनल शक्ल बताती हूँ जी। तो आप देखें हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही फाइन पेस्ट बना है, और इसकी बहुत अच्छी खुशबू और जायका है। आप अपने खानों में इसे इस्तेमाल करें और अपने खानों का जायका बढ़ाएं, और जो है यकीनन आपको इससे सहूलत भी होगी और ये बहुत इकोनॉमिकल भी रहेगा आपके लिए। तो यकीनन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक भी दें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह।